हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ह्यूमन करी। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अलग तरीके की टमाटर साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट बनती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी होती है। और ये व्रत स्पेशल रेसिपी है, तो आप इसे नॉर्मल डेज में भी खा सकते हैं और व्रत में तो खा ही सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी, दाल वाली कटोरी से नाप के साबूदाना लिया है। साबूदाना मैंने अच्छी क्वालिटी का पैकेट वाला साबूदाना यूज़ किया है, जो कि थोड़े से मीडियम साइज़ के आते हैं। ना बहुत बड़ा होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए, मीडियम साइज़ के साबूदाने आपको यूज़ करने हैं। इसे हम भिगो के रख देंगे। अगर आपने एक कप साबूदाना लिया है, तो इसमें आप आधा कटोरी के जितना, यानी कि आधा कप के जितना आपको पानी डालना है। इसे भिगो के मैंने करीबन 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से फूलने के लिए छोड़ दिया। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए, अच्छे से गल भी चुका है, हाथ से दबा के मैंने आपको दिखा दिया। एक कढ़ाई में मैंने 1 छोटा चम्मच के जितना तेल लिया है। बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी के लिए। इसमें मुट्ठी भर मूंगफली के दाने मैं भून के निकाल लूँगी। जब इनमें क्रंच आ जाएगा, इसे निकाल लेंगे हम। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी वैरायटी साबूदाना खिचड़ी की सिखाई है, जैसे एक टिपिकल खिली खिली साबूदाना खिचड़ी सूखी वाली होती है, वो भी उसी के साथ एक हेल्दी वर्जन सिखाया, जिससे बहुत जल्दी पेट भरता है और साथ में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो अगर आपको वो रेसिपी देखनी है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके नवरात्रि रेसिपीज़ के नाम से वो रेसिपी देख सकते हैं। मैंने मूँगफली निकाली और बचे हुए तेल में 1/2 छोटा चम्मच के जितना जीरे का तड़का दिया, और साथ ही में 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाली। अगर आपको ये खिचड़ी थोड़ी सी तीखी बनानी है, तो हरी मिर्ची की मात्रा बढ़ा लें। इसी के साथ 2 से 3 करी पत्ते के स्प्रिंग, आप देख सकते हैं तेल मैंने बहुत कम यूज़ किया है। आप तेल की जगह, यहाँ पे मैंने मूँगफली का तेल यूज़ किया था, आप घी में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे 2 मध्यम आकार के टमाटर मैंने काट के डाल दिए, क्योंकि टमाटर वाली साबूदाना खिचड़ी है, तो टमाटर तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, और इसी से इस खिचड़ी का एकदम चटपटा टेस्ट आता है। टमाटर मैंने देसी वाले खट्टे वाले टमाटर यूज़ किए हैं, वो ज़्यादा अच्छा जाता है। इसे हम गला लेंगे। आँच को मैंने धीमा कर दिया है टमाटर डालने के बाद से, और इसे हम ढक के करीबन 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आँच पर पकाएंगे, या फिर तब तक जब तक कि आपके टमाटर गल ना जाएँ। थोड़ा सा मैं स्पैचुला से इसको दबा रही हूँ, ताकि जल्दी सॉफ्ट हो। ये ढक दिया मैंने करीबन 4 मिनट के लिए। 4 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे, तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हम करछी से या स्पैचुला से थोड़ा सा और दबा दबा के एकदम मैश कर लेंगे। जैसे मैंने टमाटर काट के डाले, आप टमाटर का प्यूरे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस टमाटर का प्यूरे अच्छे से आपको भून लेना है, जीरे और हरी मिर्ची के तड़के के साथ। यहाँ पे 1 छोटे आकार का उबला हुआ आलू काट के डाला है मैंने, आप कच्चे आलू भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने साबूदाना डाल दिया। अगर आप कच्चे आलू यूज़ कर रहे हैं, तो आलू को एकदम बारीक बारीक टुकड़े में काटें, ताकि वो जल्दी पक जाए। अगर आप बड़े टुकड़े में काटेंगे, तो आपके आलू में भी कच्चे रहे। तो अगर कच्चा आलू डाल रहे हैं, तो और भी छोटे छोटे टुकड़े में डालें। सेंधा नमक डाल दिया मैंने स्वादानुसार। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ड्राई वर्जन बनाना है टोमेटो साबूदाना खिचड़ी का, तो आप इसमें पानी ना डालें, आप इसे ढक के पका सकते हैं। बट मैंने दोनों ही तरीके ट्राई किए हैं। पानी डाल के जो आपके साबूदाने होते हैं, और ज़्यादा फूल के बड़े हो जाते हैं और गल जाते हैं। इसमें मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डाल रही हूँ कि ये गीली खिचड़ी बनेगी। एक जैसे उपमे वाला टेक्सचर होता है ना, कि थोड़ा सा गीलापन होता है, बस उतना ही रहेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से साबूदाना पक जाता है। तो ये मेरे घर में जो चाय वाले कप हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, उससे नाप के मैंने 1 कप के जितना पानी डाल दिया। अच्छे से मिला देंगे और इसे कवर करके आपको 10 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे से पकाना है। अगर आपके घर में छोटे कप नहीं हैं, नॉर्मल साइज़ के कप हैं या फिर कॉफ़ी मग हैं, तो उससे 1/4 कप के जितना पानी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है आपको। 10 मिनट के बाद ये देखिए, पानी सूख चुका है और साबूदाना फूल चुका है, तो बहुत अच्छे से पक चुकी है ये हमारी टमाटर साबूदाना खिचड़ी। क्योंकि मैंने नॉनस्टिक बर्तन नहीं यूज़ किया था, तो थोड़ा सा नीचे चिपकेगा, लेकिन जैसे आप करछी चलाओगे ना, तो आराम से वो निकल भी आएगा। तो आपने देखा, इसमें हमने बहुत ज़्यादा तेल मसाले कुछ यूज़ नहीं किया, बड़ी ईजिली खिचड़ी बन के तैयार हो जाती। जैसे अभी आपको थोड़ा सा गीला लग रहा होगा,
थोड़ा सा भी ये हल्का सा भी ठंडा होगा ना तो एकदम खिल जाता है बना के, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसमें हमने ऐड कर दिया भुनी हुई मूंगफली और साथ में खूब ढेर सारे फ्रेश धनिया पत्ते। अलग से आपको नींबू वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी खटास है। ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मैंने जैसे ड्राई वर्जन साबूदाना बनाया था तो एक बार उन्होंने मेरे लिए इस तरीके से बनाया, मुझे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि टमाटर की वजह से और ज़्यादा चटपटा हो जाता है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, तो आज मैंने शेयर किया है। एक बार तो ये रेसिपी बिल्कुल आपको ट्राई करना बनता है क्योंकि इसमें साबूदाना कच्चे रहने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं रहता, एकदम अच्छे से पक जाते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी डाला है। तो आप एक बार तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, एकदम चटपटी बन के निकलती है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी यहाँ से दबा दीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन मिस ना हो जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ अपलोड करूँ। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड कीप कुकिंग।